हेलो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस क्लास फोर्थ इंग्लिश रीडर चैप्टर नंबर फोर। नेम ऑफ द चैप्टर इज द क्लेवर मंकी मींस चालाक बंदर। इन लास्ट वीडियोस आई हैव एक्सप्लेन द स्टोरी ऑफ दिस चैप्टर इन हिंदी। टू हेयर एंड इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू टू हेयर सॉरी फ्रॉम हेयर। सो प्लीज स्टूडेंट ओपन पेज नंबर 28। Let's start. The monkey kept quiet for a second and then said cleverly. The monkey kept quiet. बंदर शांत रहा for a second. एक second के लिए, कुछ क्षण के लिए, एक moment के लिए बंदर शांत रहा, शांत हुआ, शांत रहा. And then said cleverly. और फिर चालाकी से कहा, Oh my dear friend, ए मेरे प्रिय मित्र, You should have told me about this on the river bank itself. ओ मेरे प्रिय दोस्त, You should have told me, आपको मुझे बताना चाहिए था about this, इसके बारे में, on the river bank itself, नदी के किनारे पर। भाई बंदर मंकी मगरमच्छ ने नदी में के जैसी नदी के बीच में पहुंचा था, तो उसने बताया कि मेरी पत्नी आपको आपका हृदय खाना चाहती है, इसलिए मैं आपको अपने घर ले जा रहा हूँ। तो बंदर कुछ देर चुप रहा और उसने कहा, मेरे दोस्त, आपको ये सब इसके बारे में मुझे नदी के किनारे ही बताना चाहिए था। आई डू नॉट ऑलवेज कैरी माई हार्ट विद मी। मैं हमेशा अपना दिल अपने साथ लेकर नहीं चलता। बंदर ने कहा, कितनी चालाकी से आंसर दिया कि मैं हमेशा अपना दिल अपने साथ लेकर नहीं चलता। आई केप्ट माई हार्ट सेफली ऑन द ट्री। आई हैव केप्ट, मैंने रख दिया है माई हार्ट अपना दिल सेफली में सुरक्षित, ऑन द ट्री पेड़ पर, मैंने अपना दिल सुरक्षित पेड़ पर रख दिया है। टेक मी बैक टू द ट्री। टेक मी बैक, मुझे वापस चले चलो, टू द एप्पल ट्री, पेड़ के, सेब के पेड़ के पास, एंड आई विल गिव यू माई हार्ट, मैं आपको अपना दिल दे दूँगा। ये बंदर ने बड़ा चालाकी से काम किया, होशियारी से काम किया। उसने कहा कि आपकी पत्नी मेरा दिल खाना चाहती है, ये बात आपको मुझे शुरू में बतानी चाहिए थी, मैं पेड़ नदी के किनारे में बताना चाहिए थी, क्योंकि मैं अपना दिल हमेशा अपने साथ लेकर नहीं चलता, मैंने अपना दिल पेड़ पर सुरक्षित रख दिया है, आप मुझे वापस लेकर चलो, मैं आपको अपना दिल दे दूँगा। द क्रोकोडाइल वॉज वेरी स्टूपिड, मगरमच्छ बहुत ही मूर्ख था। स्टूपिड मीन्स मूर्ख। ही बिलीव्ड व्हाट द मंकी सेड। ही बिलीव्ड, उसने विश्वास कर लिया व्हाट द मंकी सेड, जो बंदर ने कहा, कि जो कुछ बंदर ने कहा कि मेरा दिल पेड़ पे है, मैं अपना दिल हमेशा अपने साथ लेकर नहीं चलता, इस इन सब बातों पर मगरमच्छ ने आसानी से विश्वास कर लिया। इसलिए मगरमच्छ मूर्ख है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी अपना दिल पेड़ पर नहीं छोड़ सकता, या अपने अंदर से निकाल नहीं सकता। वी शैल हैव टू गो बैक टू द रिवर बैंक टू गेट माई हार्ट, सेड द मंकी। वी शैल हैव टू, हमें चलना पड़ेगा, गो बैक, वापस चलना पड़ेगा। वी हैव टू गो बैक, हमें वापस चलना पड़ेगा, टू द रिवर, नदी के किनारे, टू द रिवर बैंक, नदी के किनारे, टू गेट माई हार्ट, मेरा दिल लेने के लिए, सेड द मंकी, बंदर ने कहा। बंदर ने कहा मगरमच्छ से कि मेरा दिल लेने के लिए हमको वापस नदी के किनारे पर चलना पड़ेगा।
द सिली क्रोकोडाइल टर्न अराउंड एंड स्वेम बैक टू द रिवर बैंक. द सिली क्रोकोडाइल, सिली मीन्स भी यह मूर्ख होता है. द सिली क्रोकोडाइल मूर्ख मगरमच्छ टर्न अराउंड पीछे मुड़ा एंड स्वेम बैक टू द रिवर बैंक और तैर के नदी के किनारे पर पहुंच गया. एज सून एज दे रीच द शोर द डंक द मंकी लीप्ड अप ऑन द ट्री. एज सून एज जैसे ही दे रीच द शोर, जैसे शोर मीन्स किनारा, जैसे ही वो किनारे पर पहुंचे, द मंकी लीप्ड अप ऑन द ट्री. द मंकी बंदर लीप्ड अप, बंदर ने छलांग लगाई ऑन द लिफ्ट ऑन टू द ट्री, मैंने पेड़ के ऊपर छलांग लगा दी. जैसे ही मगरमच्छ और बंदर पेड़ के पास पहुंचे, किनारे पर पहुंचे, बंदर ने तुरंत पेड़ पर छलांग लगा दी. यू फुलिश क्रोकोडाइल, तुम मूर्ख हो क्रोकोडाइल, मगरमच्छ तुम मूर्ख हो. यू वांट टू चीट ए फ्रेंड, यू वांटेड टू चीट ए फ्रेंड, तुम एक दोस्त को धोखा देना चाहते थे. आई एम अ फेयर विद माई हार्ट, गो बैक एंड नेवर कम बैक. आई एम अप हेयर विद माई हार्ट, मैं यहाँ हूँ अपने दिल के साथ. मेरा दिल है मेरे साथ, मैं यहाँ आ गया, मैं यहाँ हूँ अपने दिल के साथ. गो बैक एंड नेवर कम बैक, गो बैक वापस जाओ एंड नेवर कम बैक, और दोबारा यहाँ वापस मत आना. फिर बंदर ने मगरमच्छ से कहा कि मगरमच्छ तुम कितने मूर्ख हो. You wanted to cheat me. You wanted to cheat a friend. कि तुम एक दोस्त को धोखा देना चाहते थे. मैं अब ऊपर आ गया हूँ, मेरा दिल मेरे पास है. Go back, यहाँ से वापस जाओ and never come back, और यहाँ कभी वापस मत आना. Delicious means tasty. Greedy, showing greed. Greedy means होता लालची, जो लालच दिखाता है, जो किसी चीज़ के लालच में आ जाते हैं, उन्हें बोलते हैं ग्रीडी. लिप जंप, लिप में छलांग मारना या कूदना. चीट डिसीव मीन्स धोखा देना. नाउ वी विल डू एक्सरसाइज ए, टिक द राइट द करेक्ट ऑप्शन. तो करेक्ट ऑप्शन पर राइट का टिक करेंगे. हु वाज मंकीज फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज मंकीज फ्रेंड, मंकी का दोस्त कौन था. ट्री क्रोकोडाइल स्नेक, पेड़ मगरमच्छ या सांप. करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल. तो टिक द राइट क्रोकोडाइल. नंबर टू, व्हाट डिड द मंकी गिव टू द क्रोकोडाइल. व्हाट डिड द मंकी गिव टू द क्रोकोडाइल. बंदर ने मगरमच्छ को क्या दिया. एप्पल मैंगो गुआवा. करेक्ट आंसर एप्पल. स्टूडेंट्स तो टिक द राइट एप्पल. हु वॉज ग्रीडी, लालची कौन था. मंकी क्रोकोडाइल बोथ. करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल. हु वॉन्ट्स टू ईट मंकीज हार्ट, मंकी का दिल कौन खाना चाहता था. क्रोकोडाइल सन मगरमच्छ के बच्चे, क्रोकोडाइल्स वाइफ मगरमच्छ की पत्नी, बोथ दोनों लोग. करेक्ट आंसर इज क्रोकोडाइल्स वाइफ, क्रोकोडाइल की पत्नी. तो टिक द राइट क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल्स वाइफ. नाउ एक्सरसाइज बी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. निम्नलिखित क्वेश्चन के आंसर दीजिए. वी विल डू दिस एक्सरसाइज लेटर. ये एक्सरसाइज हम बाद में करेंगे, क्योंकि इस एक्सरसाइज को हम नोटबुक पे लिखकर आपको समझाएंगे. तो स्टूडेंट्स नाउ एक्सरसाइज नंबर सी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. जो बॉक्स के अंदर जो वर्ड्स दे रखे हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स फिल इन द ब्लैंक्स. ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट द क्रोकोडाइल्स वाइफ वॉज राइट हेयर ग्रीडी. क्रोकोडाइल की पत्नी लालची थी. द क्रोकोडाइल्स वांटेड टू चीट हिज फ्रेंड, तो वी सिलेक्टेड हेयर चीट. क्रोकोडाइल वांटेड टू चीट हिज फ्रेंड, क्रोकोडाइल अपने दोस्त को धोखा देना चाहता था.
द क्रोकोडाइल वॉज वेरी स्टूपिड. तो राइट हेयर फ्रॉम हेयर स्टूपिड. द क्रोकोडाइल वॉज वेरी स्टूपिड. मगरमच्छ बहुत ही मूर्ख था. द मंकी लैप्ड अप टू द ट्री. तो मंकी लैप्ड, मंकी ने छलांग लगाई अप टू द ट्री, पेड़ के ऊपर. बंदर ने पेड़ के ऊपर छलांग लगाई. द मंकीज हार्ट मस्ट बी वेरी डिलीजियस. बंदर का दिल बहुत ही डिलीजियस, स्वादिष्ट होगा, मीठा होगा. नाउ वी विल डू यूजिंग ग्रामर एक्सरसाइज नंबर वन. ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स एंड सेंटेंस यूजिंग एंड. ज्वाइन द फॉलोइंग पेयर्स एंड सेंटेंस. जो निम्नलिखित सेंटेंस और जो पेयर हैं उनको ज्वाइन करेंगे एंड का यूज करते हुए. फॉर एग्जाम्पल, करण इज क्लेवर, अर्जुन इज ऑल्सो क्लेवर. मीन्स करण चालाक है, अर्जुन भी चालाक है. तो करण एंड अर्जुन आर क्लेवर. तो यहाँ हमने करण और अर्जुन दोनों ही चालाक हैं, तो करण एंड अर्जुन दोनों को ऐड करके एंड से ऐड किया और एक सेंटेंस बना दिया. ऐसे ही सचिन प्लेज क्रिकेट, सचिन क्रिकेट खेलता है. द्रविड टू प्लेज क्रिकेट, द्रविड भी क्रिकेट खेलता है. मतलब दोनों क्रिकेट खेलते हैं. तो इसको हमको, इस सेंटेंस को, ये दो सेंटेंस को एंड से जोड़ के हम एक सेंटेंस बनाएंगे, एक पेयर बनाएंगे. सचिन एंड द्रविड दोनों को जोड़ दिया. सचिन एंड द्रविड प्ले क्रिकेट, सचिन और द्रविड क्रिकेट खेलते हैं. यहाँ दोनों सेंटेंसों को हमने अलग अलग कहा, सचिन क्रिकेट खेलता है, द्रविड क्रिकेट खेलता है. तो लेकिन हमने क्या करा, दोनों एक ही काम करते हैं, इसलिए हम दोनों को एंड से जोड़ दिया. सचिन एंड द्रविड प्ले क्रिकेट, सचिन और द्रविड क्रिकेट खेलते हैं. नेक्स्ट, डक्स स्विम इन द रिवर, फिश ऑल्सो स्विम इन द रिवर. बत्तखें पानी में तैरती हैं, मछलियाँ भी पानी में तैरती हैं. तो मछली भी तैरती हैं और पानी भी, मतलब बत्तख भी तैरती हैं, दोनों पानी नदी में तैरती हैं. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दो सब्जेक्ट हैं ये, फिश और डक, दोनों सेम वर्क कर रहे हैं, तो इन दोनों को एंड से जोड़ेंगे. डक्स एंड फिश स्विम इन द रिवर मीन्स बत्तख और मछलियाँ स्विम तैरती हैं इन द रिवर, नदी में. बत्तख और मछलियाँ नदी में तैरती हैं. ओके, नंबर थ्री, दे मेड ए सोलर कूलर. दे ऑल्सो मेड ए विंड मिल. दे मेड सोलर कूलर, सॉरी सोलर कुकर. दे मेड ए सोलर कुकर. दे ऑल्सो मेड ए विंड मिल. उन्होंने दो चीज़ें बनाई, सोलर कुकर और विंड मिल. तो सब्जेक्ट एक है, ऑब्जेक्ट दो हैं, तो हम क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को एंड से जोड़ देंगे, एक ही सब्जेक्ट से दोनों काम हो जाएंगे. दे मेड ए सोलर कुकर एंड विंड मिल. उन्होंने एक सोलर कुकर बनाया एंड और एक विंड मिल बनाया. उन्होंने एक सोलर कुकर और एक विंड मिल बनाया. नंबर फोर, पेंटिंग इज ए गुड हॉबी, रीडिंग इज ऑल्सो गुड हॉबी. पेंटिंग इज ए गुड हॉबी. पेंटिंग करना, चित्र का चित्र बनाना एक बहुत अच्छी आदत है, शौक है. रीडिंग इज ऑल्सो ए गुड हॉबी, और पढ़ना भी एक अच्छी आदत है. तो यहाँ दो ऑब्जेक्ट हैं, सब्जेक्ट है पेंटिंग एंड रीडिंग. दोनों सब्जेक्ट को हम एंड से जोड़ देंगे. तो पेंटिंग एंड रीडिंग इज ए गुड हॉबी. चित्र बनाना और पढ़ना एक अच्छी एक्सरसाइज है, मतलब अच्छी आदत है, अच्छा शौक है. पेंटिंग एंड रीडिंग इज ए गुड हॉबी. पढ़ना और चित्र बनाना, पेंटिंग करना बहुत अच्छी, एक अच्छी हॉबी है. सी इज ए गुड डांसर, सी इज ए गुड सिंगर टू. वह एक अच्छी डांसर है, सी इज ए गुड सिंगर टू, और वह एक अच्छी सिंगर भी है. तो इन दोनों को क्या करेंगे, हम
या दो ऑब्जेक्ट हैं सिंगर एंड डांसर, सब्जेक्ट एक ही है सी सी, तो हम एक ही सब्जेक्ट के दोनों ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे और दोनों ऑब्जेक्ट किसे जोड़ेंगे हम एंड से, लाइक दिस सी इज़ ए गुड डांसर, वह एक अच्छी डांसर है एंड सिंगर, और एक सिंगर है वह एक अच्छी डांसर और सिंगर है। तो ओके स्टूडेंट्स, आज की लेक्चर में मीन्स आज की वीडियो में इतना ही, इससे आगे हम आगे अध्ययन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो ओके स्टूडेंट्स, रिवाइज एवरीथिंग एंड राइट एवरी हार्ड वर्ड्स इन योर नोटबुक। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस टाइम।